हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, दैट इज फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तीन आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है जिसमें से आज फर्स्ट हम करेंगे। इसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, हमारे पास क्या चीज़ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम होती क्या है, पहले तो ये याद करेंगे कि अगर फाई एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी बार, ठीक है, मतलब डोमेन ग्रुप जी, डोमेन को डोमेन ग्रुप जी बार है, तो जी बाय कर्नल फाई इज दिस सिंबल इज फॉर आइसोमॉर्फिज्म। जी बाय कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक होगा फाई जी के बराबर, ठीक है। और अगर ये मान लो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो, इस टू की जगह ऑन टू कर दूं, तो आपको पता है कि रेंज जो होती है को डोमेन के बराबर हो जाएगी। तो रेंज है फाई जी, को डोमेन है जी बार, तो यहाँ पे आ जाएगा जी बार। तो जी बाय कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक टू जी बार बन जाएगा अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और अगर सिर्फ होमोमॉर्फिज्म है तो फाई जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड टू वर्ड आपको एज इट इज लर्न करनी है स्टेटमेंट, क्योंकि ये ऐसे ही आ जाती है, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, राइट। तो हम इसको करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास। मैंने एक मैप, अगर मुझे आइसोमॉर्फिज्म बनाना है तो मुझे करना क्या है, वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये तीनों चीजें शो करनी है। तो मैंने एक मैपिंग डिफाइन करी एफ फ्रॉम जी बाय कर्नल फाई टू फाई जी, ठीक है। अब जी बाय कर्नल फाई क्या चीज है, कोशेंट ग्रुप है। कोशेंट ग्रुप का एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, ए एच कोसेट्स होंगे, तो जी कर्नल फाई इसका एलिमेंट बन गया, तो एफ ऑफ जी कर्नल फाई जो हो गया, और फाई जी का एलिमेंट क्या होगा, फाई स्मॉल जी, वेयर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो ये मेरे पास एक मैपिंग डिफाइन हो गई। अब क्योंकि मैपिंग मैंने खुद डिफाइन करी है, तो मुझे शो करना पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो वेल डिफाइंड के लिए हमने क्या करना होता है, आपको पता है वन वन का उल्टा होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होगा आपके पास, कि अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो आपको शो करना है फाइव एक्स इक्वल टू फाइव वाई है, ठीक है। तो हम यही काम करेंगे यहाँ पे। देखिए, मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जी कर्नल फाइव के, जी बाय कर्नल फाइव के, मतलब कोशेंट ग्रुप के, तो इसके दो एलिमेंट दो कोसेट्स होंगे, तो मैंने ले लिया जी कर्नल फाइव इक्वल टू एच कर्नल फाइव, वेयर स्मॉल जी एंड स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। तो अगर दो कोसेट्स बराबर हैं, तो कोसेट्स की प्रॉपर्टी क्या है, मैंने इधर लिख दी है ए एच इक्वल टू बी एच है इफ एंड ओनली बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पे ए को आप जी ले लीजिए और बी को आप एच ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एच इनवर्स जी बिलोंग्स टू कर्नल फाई आ जाएगा, ठीक है। तो एच इनवर्स जी बिलोंग्स टू कर्नल फाई आ गया। अगर ये कर्नल फाई का एलिमेंट है, तो कर्नल फाई की डेफिनेशन क्या कहती है, कि ये आइडेंटिटी पे मैप्ड होगा, तो फाई ऑफ एच इनवर्स जी क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन, दैट इज आपका जी बार लिया हुआ था या जी डैश लिया हुआ है मैंने, ये फाई फाई कहाँ से मैपिंग दे रखी है आपको, फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी बार है, मैंने अगर नीचे डैश लिया हुआ तो उसको बार कर लेना, ठीक है। इसको डैश कर लेते हैं, इसी को डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक मैपिंग आ जाएगी जी से, सॉरी आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश मैंने ई डैश लिया हुआ है, तो फाई ऑफ एच इनवर्स जी आ जाएगा ई डैश। अब क्योंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो ये फाई की डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म की यूज करी, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब आपको ये भी पता है कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर होती है तो पावर बाहर आ जाती है, ये जो यहाँ लिखी है फाई ऑफ ए एन इज फाई ए उसकी पावर एन, तो मैंने इस इनवर्स को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब इस इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये फाई इज एच बन जाएगा। आइडेंटिटी से कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, तो फाई जी इक्वल टू फाई एच आ जाएगा। तो मुझे यही प्रूफ, अब फाई जी इक्वल टू फाई एच आ गया। फाई जी खुद क्या था, एफ ऑफ जी कर्नल फाई बाय डेफिनेशन ऑफ एफ जो हमने ऊपर निकाला हुआ है डिफाइन किया, तो फाई ऑफ एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच कर्नल फाई। तो हमें यही प्रूफ करना था कि अगर आपका एक्स इक्वल टू वाई है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई आ गया, तो ये एफ जो आ गया वेल डिफाइंड मैपिंग बन गई। अब आपको करना है कि एफ जो है वन वन है, तो ये एफ को वन वन करने के लिए आपने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो एक्स इक्वल टू वाई करना है, तो एफ ऑफ जी कर्नल फाई इक्वल टू एफ ऑफ एच कर्नल फाई कर लिया आपने, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी कि अगर एफ ऑफ जी कर्नल, मतलब दो एलिमेंट्स का वो बराबर है, तो फाई ऑफ जी कर्नल फाई आपको क्या दे रखा था, फाई जी, और एफ ऑफ एच कर्नल फाई एफ की डेफिनेशन से क्या, फाई एच। अब आपको पता है कि फाई जी होता है जी कर्नल फाई और फाई एच होता है एच कर्नल फाई, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म में किया भी था, तो आपके पास वहीं से ये प्रॉपर्टी आ गई, तो फाई ऑफ जी आ गया जी कर्नल फाई, फाई ऑफ एच आ गया एच कर्नल फाई, ठीक है। अब दो कोसेट्स आप ये जो है बराबर आ गए, जो कि क्या थे, एलिमेंट्स थे एफ जिसके ऊपर आपने ऑपरेट किया था, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो आपके पास एक्स इक्वल टू वाई आ गया, तो एफ क्या आ गया, वन वन मैपिंग आ गई। क्लियर हो गई सबको बात, तो हमने वेल डिफाइंड और वन वन कर दिया। अब मुझे ऑन टू करना है एफ को, तो देखिए अगर एफ ऑन टू होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो
फॉर एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन, कोडोमेन मेरा क्या है 5G, तो 5G का कोई भी एलिमेंट क्या होगा 5 स्मॉल g, तो एलिमेंट लिया कोडोमेन में। मैं ऑन टू की डेफिनेशन रिकॉल करा दूं आपको कि एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, अगर है ये डेफिनेशन है ऑन टू की, देन फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एंड एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए कि हर एलिमेंट की, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ऑन टू मैपिंग बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर अब मेरा कोडोमेन है 5G, तो मैंने उसका एक एलिमेंट ले लिया, मैं उसकी प्री इमेज ढूंढूंगी, तो प्री इमेज किस फॉर्म की आएगी, जी कर्नल फाई, क्योंकि मेरा डोमेन का सेट क्या है, क्वेश्चंट ग्रुप है, तो उसका कोई भी एलिमेंट जी कर्नल फाई है, सच दैट एफ ऑफ जी कर्नल फाई जो होना चाहिए ये होना चाहिए, विच इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि हमने इसी तरीके से डिफाइन करी हुई है मैपिंग, तो ये तो ट्रू है बाय डेफिनेशन। तो फाई क्या आ गया मेरा, ऑन टू भी आ गया, तो 5 1 1 भी आ गया, 5 ऑन टू भी आ गया आपके पास। अब होमोमॉर्फिज्म बनाना है, होमोमॉर्फिज्म के लिए डेफिनेशन एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी, तो ए क्या है यहाँ पे जी कर्नल फाई, बी क्या है एच कर्नल फाई, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया यानी कि ऑपरेट कर लिया, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोसेट्स की प्रॉपर्टी, ए एच इंटू बी एच इज ए बी इंटू एच, तो हमने कोसेट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तो जी एच इकट्ठे हो गए और ये आ गया, मतलब मैंने ए एच इंटू बी एच क्या बना दिया, ए बी इंटू एच बना दिया, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से मेरे पास जी एच कर्नल फाई आ गया। अब इसके ऊपर एफ की डेफिनेशन लगाई बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी एच कर्नल फाई इज 5 GH आ जाएगा, ठीक है, 5 GH। अब फाई तो होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा दी। अब 5G खुद क्या है, 5G कर्नल F आएगा यहाँ पे, F कर्नल ये आ जाएगा ना, F और ये इधर भी F आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ F, यही हमें प्रूफ करना था, तो 5 मेरी होमोमॉर्फिज्म बन गई, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से मुझे पता चला G बाय कर्नल 5 इज आइसोमॉर्फिक टू 5G, क्लियर। अब इसकी करोलरी देख लीजिए कि अगर एक फाई होमोमॉर्फिज्म है, फाइनाइट ग्रुप जी टू जी बार, अभी तक तो मैंने नॉर्मल ग्रुप्स लिया था, मतलब कि फाई जो है होमोमॉर्फिज्म है किसी भी एक ग्रुप से जी टू जी बार, अब हमने इस जी बार को जी डैश कर लिया था, आपने जी बार रखना है, जी बार रख लो, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंजेस कर देना, तो ऑर्डर ऑफ 5G जो होगा, ठीक है, वो डिवाइड करेगा 5G को, ऑर्डर ऑफ जी को भी और ऑर्डर ऑफ जी बार को भी, तो ये हमें अब इसकी करोलरी प्रूफ करनी है। तो देखो फाई अगर जी से जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म है, मैं बार बार कभी कुछ लिख रही हूँ कभी कुछ, इसको जी डैश करो, एक्चुअली आई एम यूज टू ऑफ राइटिंग जी डैश, ठीक है। तो ये फाई ऑफ जी से जी डैश पर एक होमोमॉर्फिज्म है, तो हमारे पास ऊपर अभी फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ने क्या कहा, जी बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू 5G, तो मेरे पास ये एक आइसोमॉर्फिज्म आ गई यहाँ पर, तो ऑर्डर अंडर आइसोमॉर्फिज्म ऑर्डर प्रिजर्व होता है, तो ऑर्डर ऑफ जी कर्नल फाई क्या, जी बाय कर्नल फाई किसके बराबर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ 5G के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड अंडर आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंट ग्रुप में आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल फाई, ऑर्डर जी बाय ऑर्डर कर्नल फाई, ठीक है। तो ये ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर कर्नल फाई आ गया इज इक्वल टू ऑर्डर 5G आ गया। तो अब इसके अंदर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ 5G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, क्योंकि देखो ए डिवाइड्स बी कब होता है, जब बी इज इक्वल टू ए इंटू सी होता है। तो आप यहाँ पे देखो ए की जगह डाल दो 5G, ऑर्डर 5G, ठीक है, बी की जगह डाल दो ऑर्डर जी, ये कब होगा, जब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 5G मल्टीप्लाइड बाय समथिंग होगा। तो आप ये देखो ये बन रहा है ना आपका, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 5G इंटू ऑर्डर ऑफ कर्नल 5, ये जो समथिंग है ये मेरा ऑर्डर ऑफ कर्नल 5 है, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया आपके पास, ऑर्डर ऑफ 5G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। अब आपको पता है कि 5G जो है ये रेंज स्पेस है, रेंज ग्रुप जो होता है दैट इज ऑलवेज एन सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो 5G जो होगा जी डैश का सबसेट होगा। अब ये आपको ये भी पता है कि रेंज जो होती है वो सब ग्रुप बनाती है, तो 5G जो है सब ग्रुप हो गया जी डैश का। तो लग्रेंजिस थ्योरम क्या कहती है आपको, ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ 5G विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी डैश, ये भी आ गया मेरे पास बाय लग्रेंजिस थ्योरम, यही सब हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन ग्रुप थ्योरी, तो सब बच्चे इसका प्रूफ बहुत अच्छे से लर्न करके जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।